मिटा देती है जिंदगी अपनी ये खैरों पे लुटा देती है। इसका मकसद तो है दुनिया को सजाने के लिए शमा जलती है पिघलती है समाने के लिए अपने सीने का हर एक दर्द छुपाने के लिए शमा जलती है पिघलती है समाने के लिए गलत मैं भी नहीं ये भी मैं मानती हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही मैं किसी समीर को नहीं जानती और समीर का नाम सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच दरार पैदा करने के लिए लिया गया है और मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं बस तुम थोड़ी देर इंतजार करो आज तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा ऋषि हर सवाल का। गौतमी जी मैं गौतमी हूँ आपको डॉक्टर बुलाया आपके साथ कौन आया है इनके पति आए हैं आप इनको लेकर चलिए हम लोग आते हैं देखा तुमने ऋषि यही सच है कजरी गौतमी बनकर हर बार चेकअप करवाने आती है चेकअप तो कजरी का होता है लेकिन रिपोर्ट पर नाम लिखा होता है गौतमी शमा अपने आप को बहुत होशियार समझती थी ना और उसने मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर मंजुला सरदेसाई के पास भेजा लेकिन रिपोर्ट में तो वही आना था जो सच था और सच ये है कि कजरी पेट से है चेकअप उसका होता है और रिपोर्ट पर नाम लिखा होता है गौतमी का यानी कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ ऋषि तुमने मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ बस इस घर में अपने लिए जगह बनाने के लिए और तुम्हें पाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था जब मुझे पता चला कि पल्लवी माँ बनने वाली है तो मुझे भी एक ही रास्ता नजर आया कि मैं भी प्रेगनेंसी का नाटक करूं और तभी मुझे पता चला कि कजरी 2 महीने के पेट से सब लोग मेरे प्रेग्नेंट होने का दावा तो करते हैं लेकिन सच्चाई क्या है इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता ठीक कह रही हो तुम सच ऐसा होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था वो तो अच्छा हुआ कि मैं पल्लवी और बाकी सबकी बातों में नहीं आया और तुम्हारे बारे में कोई गलत बातें सोच नहीं बैठा अच्छा हुआ तुमने मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा चलो वहां डॉक्टर गौतमी के पति का इंतजार कर रहे हैं चलो चलो यस मैम मिस्टर ऋषि आपके पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप अपनी बीवी के बारे में जानने के लिए यहाँ एक बार आ सकें आई एम सॉरी डॉक्टर ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन आज तो आया हूँ कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि इसकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही है जिसकी वजह से बच्चा अभी भी वीक है ऐसे मामलों में लापरवाही ठीक नहीं है मिस्टर ऋषि दिस इज योर फर्स्ट चाइल्ड और ज्यादा केयर करने की जरूरत है हम लोग ध्यान तो दे रहे हैं डॉक्टर आप इनकी सहेली है ना क्या ध्यान रखेंगे आप लोग बच्चे का वजन इतना बढ़ना चाहिए पर नहीं बढ़ा है मैंने कहा था इसे ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां और फ्रूट दिया जाना चाहिए हम ख्याल रखेंगे डॉक्टर मिस्टर ऋषि आपकी बीवी पहली बार माँ बनने वाली है ये कुछ दिन खास होते हैं जब औरत को शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी बेहद सुकून और आराम की जरूरत होती है तनाव से दूर रहने की जरूरत होती है
दीज आर द फर्स्ट फ्यू वीक्स. पति को ज्यादा से ज्यादा पत्नी के करीब रहने की कोशिश करनी चाहिए, वरना पत्नी को अगर तनाव हो इट विल अफेक्ट द चाइल्ड. हम ख्याल रखेंगे डॉक्टर. मैं कुछ नई दवाइयां लिखकर दे रही हूँ. शी विल हैव टू डू सम एक्सरसाइजेस आल्सो. प्रोटीन और कैल्शियम इन्हें सही मात्रा में दिया जाना चाहिए. यू विल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर, तभी तो बच्चा सेहतमंद पैदा होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड मिस्टर ऋषि. यस मैम. तुम्हें पता है बेगम, अबू जान के कहने पर हमने जमाल भाई को पैरवी पर आने से मना कर दिया और इस बात को लेकर वो बेहद नाराज थे. हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, पर हमें तो ये लगता है कि ये मुद्दा खत्म कर देना चाहिए. इस नफरत की आग पर पानी डाल देना चाहिए. क्या पानी डालने से ये नफरत की आग बुझ जाएगी बेगम? क्या आपको पता कि अकबर भाई की फितरत बदल जाएगी? नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली. लेकिन हम सब सोहा की वजह से मजबूर हैं. अकबर भाईजान के खिलाफ खड़े होने का मतलब है सोहा की मुश्किलें बढ़ाना. बेगम मुझे तो ये लगता है कि ये समझौता करके हम अपनी गैरत से खेल रहे हैं, जिसके लिए हमें एक दिन बहुत पछतावा होगा. हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि नफरत का ये खेल बंद हो जाए. बेगम आपके चाहने से नफरत का यह खेल बंद नहीं होगा. अल्तमस ने बहुत मुश्किलों से इस मुकदमे को तैयार किया था और हम सब मिलकर उसे रोकना चाहते हैं. इस मुकदमे को जीतने के लिए अल्तमस ने दिन रात एक कर दिया और हमने उसे हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया. बेगम अकबर भाई की चालें थमेंगी नहीं और यह रास्ता अख्तियार करके हम सोहा को कोई खुशी नहीं दे पाएंगे. जमाल भाई भी यही कह रहे थे. जमाल भाईजान? जमाल भाईजान कोई सच्चाई का साथ देने के लिए ये मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं. उन्हें तो एक मौका चाहिए था बदला लेने का. अकबर भाईजान की वजह से कैफ आज जेल में, अकबर भाईजान की वजह से उसे सजा हुई है और उन्हें मौका मिला है और वो इसका फायदा उठा रहे हैं. क्षमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए. अकबर भाईजान की वजह से उसे सजा हुई है और उन्हें मौका मिला है और वो इसका फायदा उठा रहे हैं. दुरुस्त है बेगम, आप बिल्कुल ठीक कह रही. नफरत की इस आग में ना जाने कितनी जिंदगियां चलेंगी और सबसे पहले सोहा की. जमाल भाईजान को तो आपने मना कर दिया, लेकिन अल्तमस को तो आप ही को समझाना होगा. वही मैं आपसे कहने आया हूं बेगम, अल्तमस किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं. या अल्लाह. मैं कुछ समझना नहीं चाहता बड़ी अम्मी, मुझे अदालत जाना है तो बस जाना है. कि आपको इस घर के लोगों की बातों का कोई ख्याल नहीं, कोई परवाह नहीं? मुझे उनकी बातों का नहीं, मुझे उनकी परवाह है शमा. और जो मैंने सोचा है वो मैं करके रहूंगा. मुझे बड़े अब्बू को सजा दिलानी है बस. अल्तमस क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सोहा उस घर की बहू बन चुकी है? अगर तुमने सजा दिला भी दी तो उस घर में सोहा की क्या हालत होगी? बड़ी अम्मी, सोहा के साथ अगर उस घर में कोई भी गलत बर्ताव किया गया तो हम उसके हक के लिए भी लड़ेंगे. लेकिन आज जो लड़ाई चल रही है उसे अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता. आज एक ही पेशी में अदालत नतीजे तक तो नहीं पहुंचेगी ना, लेकिन सोहा का मामला नया है. शमा अगर आज मैं अदालत नहीं पहुंचा तो मुकदमा बिगड़ सकता है. अगर टाइम पे सबूत पेश नहीं किए गए तो केस कमजोर भी तो हो सकता है. और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा. कि आपके लिए बस एक यही काम रह गया है, बस इसी की अहमियत है
कि आप किसी की बात ना माने। घर के सारे लोग आपको समझाना चाहते हैं। दादा जान ने भी कहा है कि आपको अदालत नहीं जाना चाहिए। शमा, ये उनके दिल का खौफ है जो वो मुझे इस केस से अलग करना चाहते हैं, ताकि बड़े अबू मेरे साथ फिर किसी हादसे को अंजाम ना दे। दरअसल बड़े अबू ने जो हर तरफ अपने खौफ का तारी किया है, उसी का नतीजा है ये सब। नहीं अल्तमश, उनके नाम से हर आदमी खौफ ज्यादा नहीं है। मुझे देख लो, मुझे किसी बात की कोई खौफ नहीं है। मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मुझे फिक्र है तो सिर्फ सोहा की। ये भी तो एक खौफ है बड़ी अम्मी। और आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं ये मुकदमा हार जाऊं? नहीं बड़ी अम्मी, बड़ी मुश्किल से मैंने इस मुकदमे को यहां तक पहुंचाया है, और जीत के इतने करीब पहुंचने के बाद मैं हार नहीं मान सकता। मैं अदालत जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। क्षमा, तुमने त्रिभुवन अंकल को अदालत पहुंचने के लिए कह दिया है ना? चीखे इसलिए सुनाना चाहता था ताकि तुम इस बात को महसूस कर सको कि तुम्हारी बहन मेरे घर में, और उसके साथ कब क्या हो जाए इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती हो। शमा, आप सोहा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने क्या गलती की है? हाँ, सोहा भी मुझसे बार बार यही कह रही थी कि मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है। तुम भी यही पूछ रही? गलतियों पर गलतियां करती जा रही हो और पूछती हो कि मेरी गलती क्या है। ऐसी कौन सी गलती की है हमने? क्या गुनाह किया है? त्रिभुवन को गवाही के लिए तुमने तैयार किया और त्रिभुवन मेरे खिलाफ सारे सबूत लेकर अदालत में जा रहा है। त्रिभुवन को गवाही के लिए तुमने खड़ा किया ना, और अब तुम ही उसे रोकने का काम करोगी। शब्द त्रिभुवन को गवाही के लिए तुमने खड़ा किया ना, और अब तुम ही उसे रोकने का काम करोगी। शम, ठीक है चाचा जान, हम त्रिभुवन अंकल को रोकने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं शमा, कोशिश नहीं। कोशिश करने का बहाना मुझसे मत करना, नहीं तो तुम अपनी बहन को बचाने की कोशिश नहीं कर पाओगी। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि तुमने कोशिश की है। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि त्रिभुवन के कदम घर से बाहर न निकले। अदालत में जाने की बात तो बहुत दूर की। रोको, रोको उसे। और अगर तुम उसे नहीं रोक सकी तो फिर यह बात अच्छी तरह से समझ लेना
कि तुम अपनी इकलौती बहन से हाथ धो बैठोगी। नहीं, नहीं, नहीं। बड़ी अम्मी, क्षमा कहाँ गई है? तुम्हारे सामने ही तो निकली है और मैंने भी उसे पूछा नहीं। कोई बात नहीं बड़ी अम्मी, अगर क्षमा नहीं चाहती है कि मैं अदालत जाऊं तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे साथ अदालत नहीं जाएगी, लेकिन मैं अदालत जरूर जाऊंगा। नहीं अर्कुम, तुम क्षमा की मजबूरियों को समझो। एक तरफ तुम हो जो कुछ समझना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ क्षमा जिसे अकबर भाईजान ने मजबूर कर रखा है। क्या हुआ अम्मी, फिर कोई बात हुई क्या? हाँ, क्षमा जब जा रही थी तो मेरी उससे बात हुई। क्षमा को अकबर भाईजान का फोन आया था, उन्होंने उसे फिर से धमकाया। वो बेहद परेशान और मजबूर लग रही थी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा अम्मी, ये सिलसिला थमेगा नहीं जब तक बड़े अबू आजाद है। उन्हें जेल पहुंचाने के बाद ये सिलसिला थमेगा और मैं वही करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग मुझे रोकना चाहते हैं। देखो बेटा, लोग कहते हैं कि जब तूफान उठ रहा हो तो तूफान के थमने के इंतजार करना चाहिए। लेकिन बड़ी अम्मी, अगर हम जानते हैं कि हम उस तूफान का रुख मोड़ सकते हैं तो हमें इंतजार क्यों करना चाहिए कि वो तूफान हमारे अशियाने को उड़ा के ले जाए? हमें उस तूफान के थमने का इंतजार क्यों करना चाहिए? नहीं बड़ी अम्मी, अगर बड़े अबू वो तूफान है तो उस तूफान को मैं रोकूंगा। मुझमें वो कुवत है, मैं उनके जुर्मों के आगे सर झुकाकर उनके जुर्मों को बढ़ावा देना नहीं चाहता। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी तुम किसी की नहीं सुन। तमश, हाँ बोलो अल्तमश, किसने फोन किया? शर्म आनी चाहिए बड़े अबू आपको, शर्म आनी चाहिए। अपनी आजादी के लिए आपने एक मासूम लड़की का सहारा लिया, जोहा की आग में आप खुद को आजाद करना चाहते हैं। क्षमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शर्म आनी चाहिए बड़े अबू आपको, शर्म आनी चाहिए। अपनी आजादी के लिए आपने एक मासूम लड़की का सहारा लिया, जोहा की आग में आप खुद को आजाद करना चाहते हैं। तुम्हारी दिल मिलाहट बता रही है अल्तमश कि तुम्हारे सारे मंसूबों पर अब मिट्टी मिल चुकी है। मुझे सजा दिलाने का ख्वाब देख रहे थे ना तुम? तुम्हारे ख्वाबों पर इसी तरह से मिट्टी डाली जा सकती है, समझे तुम? नहीं बड़े अबू, नहीं, मैंने मरे हुए ख्वाब नहीं देखे जिन पर मिट्टी डाला जा सके। मेरे ख्वाब जिंदा है और मेरे वही ख्वाब आपको मिट्टी तक पहुंचाएंगे। मैंने अपनी आंखें जरूर खोई हैं, लेकिन अपने हौसले नहीं, मेरे हौसले अब भी कायम हैं। तो फिर इतने तिल मिला क्यों रहे हो तुम? मुझे तो लगता है कि मैंने तुम्हारे हौसले पस्त कर दिए और तुम्हारा ये फोन उसी हौसले के तोड़ने की खना। नहीं बड़े अबू, नहीं। सोहा का खौफ दिखाकर आप घर में सबको खौफ ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैं आपको आपके अंतिम अंजाम तक जरूर बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा। फिलहाल अपने अंजाम की परवाह करो तुम अल्तमश, कहीं ऐसा ना हो कि उस खानदान की बर्बादी की वजह तुम ठहरा जाओ। कदम उठाना हो तो सोच समझ कर उठाना, क्योंकि उन राहों पर फूल नहीं पीछे अंगारे हैं, अंगारे। आंखें तो तुम पहले ही खो चुके हो, कहीं अपने पाँव न जला बैठो। मैं अदालत जा रहा हूँ भैया। तमश, खुदा के लिए मेरी बात तो मानो, ऐसा कोई कदम मत उठाना, ठीक है? नहीं अम्मी, मैं जा कर रहूंगा, मुझे छोड़ो। नहीं तमश, अदालत सुनो तो मेरी बात सुनो तमश। समीर को तो मैं पागल कहा करती थी, सचमुच पागल था वो मेरे पीछे। किसी भी बहाने से घर आ जाता था, कोई भी काम कह दो कभी इनकार नहीं करता।
रात को भी कहीं भेजना हो तो जाने के लिए तैयार। आज सोचती हूँ तो लगता है सचमुच पागल था वो मेरे पीछे। किसी भी बहाने से घर आ जाना, हमेशा मेरे आसपास रहने की कोशिश करना। बुआ फूफा कोई नहीं, दीदी को भी शक होने लगा था। लेकिन पल्लवी तो कह रही थी कि तुम खुद उससे मिलने जाया करती थी। अब बात इस कदर फैल गई थी कि मैं कहीं भी जाऊं तो सबको यही लगता था कि मैं समीर से मिलने गई हूं। वैसे मैं कई बार समीर से मिली भी, लेकिन सच कहूं तो मुझे उसकी चाहत पर तरस आता था, क्योंकि चाहत के भरोसे तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना।